सब लोग लाइव हो मेरे प्यारे मित्रों, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट अन अकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है, अन अकेडमी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगर हम सभी लोग बात करें अन अकेडमी पे, सो हम लोग एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको बताऊं तो माय नेम इज सुचित शुक्ला। आई हैव बीन मास्टर्स इन कॉमर्स फ्रॉम बीबीएसपी। आई ऑलरेडी हैव मोर देन 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग फील्ड एज अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स फैकल्टी। अगर हम लोग बात करें, अगर आप सभी लोग अन अकेडमी के साथ जुड़ते हैं तो आपको पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल के साथ, एक्सपर्ट की गाइडेंस के साथ टेस्ट का प्रॉपर तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। ये हमारे पास कुछ कोर्सेस हैं जो कि प्लस आइकॉनिक दो वेरिएंट में कोर्सेस अवेलेबल है। आप सभी लोग प्लस आइकॉनिक दोनों ही वेरिएंट में जाके अनअकैडमी पे जाके कोर्सेस को बाई कर सकते हैं। जिसमें अगर हम लोग बात करें प्यारे दोस्तों, तो हम सभी लोग अनअकैडमी पे अगर 20,000 का सब्सक्रिप्शन लेते हैं प्लस वाला, तो आपको ये 2,000 के इंस्टेंट डिस्काउंट के साथ, मगर ये जो कोड है आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा SUCHIT10। ये एक सेकेंड, SUCHIT10। अगर आप इस कोड को इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, मतलब 2,000 के डिस्काउंट के साथ आपको ये कोर्स 18,000 का पड़ेगा। इस तरीके से 50,000 का कोर्स आपका आइकॉनिक में आपको 5,000 के डिस्काउंट के साथ आपको यही 45,000 का पड़ेगा। इस तरीके से अगर आगे बात करें, प्लस आइकॉनिक दो वेरिएंट में हमारे पास सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, जिसमें हम सभी लोग काफी अच्छे बेनिफिट्स पा सकते हैं। आप सभी लोग ये बेनिफिट्स देख सकते हैं प्यारे दोस्तों। सो अगर हम लोग आगे बात करें, सो हमारे पास ये लक्ष्य बैच और टारगेट JRF बैच है, जिसमें हम काफी अच्छे और काफी बेहतरीन कॉन्टेंट को करेंगे। आप सभी लोग जरूर उस कॉन्टेंट पर ध्यान दें। टारगेट JRF बैच भी आप उस पर अच्छे तरीके से ध्यान दे सकते हैं। हमारे पास बक्स बाउंटी भी है, कोई भी इनअप्रोप्रिएट अगर कोई कॉन्टेंट पाया जाता है तो रिपोर्ट करके मैक्सिमम से मैक्सिमम प्राइस भी जीत सकते हैं। स्पेशल क्लास के कुछ फीचर्स की बात करो तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, पुल्स लर्नर इज हैड नेवर मिस अ क्लास, लेक्चर नोट्स एनी टाइम एनी वेयर है कि आप लोग वीडियो को भी एक्सेस पा सकते हैं। ठीक है, अपकमिंग मेरे कुछ रिकॉर्डेड स्पेशल क्लासेस है। अपन अकेडमी का लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप उस पे उस एप्लीकेशन पे आप सारी क्लासेस को वॉच भी कर सकते हैं। अगर हम लोग आगे बात करें, कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं तो आप उस डेमो वीडियो कुछ हैं आप उसको देख सकते हैं। आगे हम लोग बात करें, सो आज की क्लास में कुछ अच्छे बेहतरीन से क्वेश्चन के साथ आप सभी लोगों के सामने आया हूं। तो जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा, यहाँ पे हमारे पास assertion और reason है। Liberalization means corporation of departmental undertaking and public undertaking. Reason हमारे पास देखो क्या दिया हुआ है, ठीक है, हमारे पास देखो क्या रीजन भी दिया हुआ है, क्या फ्रीडम टू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू एक्सेस कैपिटल मार्केट। सो कोट्स दिया हुआ, एक बार जल्दी से मुझे बताइए कौन सा आंसर सही होगा। बताइए फास्ट, विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर, बताइए फास्ट एक बार। चलिए, सो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम लोग बात करें, ऑप्शन नंबर जो ए होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। मतलब हमारे पास जो बोथ ए एंड आर करेक्ट आंसर, बट आर इज करेक्ट, बोथ ए एंड आर ट्रू, असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है, और जो आर है वो एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, किसका बोलो, ए का। ठीक है, अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की, सो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास लिस्ट वन है, लिस्ट टू है। लिस्ट वन को आपको लिस्ट टू से एक बार मैच करना है। फिजिकल पॉलिसी, टेक्नोलॉजिकल पॉलिसी, माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी को आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से मैच करना है। जल्दी से फास्ट, कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों। बताइए क्या आंसर आएगा, फास्ट बताइए। ऑप्शन में जो बी होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। बी मतलब क्या, अगर हम लोग बात करें, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट और सी का सेकंड, और अगर डी का फोर्थ, मतलब फिस्कल पॉलिसी जो होगा हमारे पास वो, अगर हम लोग बात करें थर्ड, मतलब हमारे पास फिस्कल फेडरेशन फेडरलिज्म,
और अगर हम लोग बात करें टेक्नोलॉजिकल पॉलिसी जो होगा हमारे पास बी का फर्स्ट टेक्नोलॉजिकल पॉलिसी जो होगा हमारे पास मिटिगेशन ऑफ नेशनल हजार्ड्स, और अगर सी का अगर हम लोग बात करें सेकंड की मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी जो होगा हमारे पास वो बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाएगा, और डी का जो है वो फोर्थ कहलाएगा, मतलब क्या कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो डी का हमारे पास जो है वो फोर्थ मतलब इन्फ्लेशन कहलाएगा। तो हमारे पास बिल्कुल सही आंसर समझ में आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर स्लोविंग डाउन द ग्रोथ ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, मुझे बताइए क्या आंसर होगा, फास्ट बताओ। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों बताइए जल्दी से, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर स्लोइंग डाउन द ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई लेवल ऑफ परसीव पॉलिटिकल रिस्क, हाई लेवल ऑफ सन कॉस्ट, या हाई प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ टाइम एंड कॉस्ट ओवररन, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्पिटिशन इन ऑल सेक्टर्स, मुझे बताइए विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर जो डी होगा दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ कंपटीशन इन ऑल सेक्टर, दैट इज द राइट आंसर, इंट्रोडक्शन ऑफ कंपटीशन इन ऑल सेक्टर जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारे पास आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इनमें से अगर हम लोग बात करें इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि मेजर प्रोडक्ट नहीं है जीडीपी का, मुझे बताइए इनमें से ऐसा कौन सी चीज है, इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जो हमारा मेजर प्रोडक्ट नहीं है जीडीपी का, मुझे बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर प्रोडक्ट ऑफ जीडीपी। चलिए जल्दी बताइए, फास्ट बताइए, कमन प्यारे दोस्तों। सो ऑप्शन नंबर जो सी होगा दैट इज नेट पर्सनल इनकम इज राइट आंसर, क्या आंसर होगा बोले जल्दी से, नेट पर्सनल इनकम जो है मेरे प्यारे दोस्तों वो राइट आंसर है, कोई दिक्कत हो कोई परेशानी है ठीक है। फोर्थ हमारे पास हो गया, फिफ्थ की बात करें हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम, लोकल फॉरम, डिस्ट्रिक्ट फॉरम, या स्टेट फॉरम, स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन, मुझे बताइए विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर, इनमें से कौन सा एकदम परफेक्ट और करेक्ट आंसर है, बताइए फास्ट एक बार। चलिए जल्दी बताइए कौन सा आंसर सही होगा, फास्ट बताओ। सो बताइए मेरे प्यारे मित्रों, ऑप्शन नंबर जो ए होगा दैट इज लोकल फॉरम, मतलब क्या हुआ कि जो लोकल फॉरम है हमारे पास बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर सिक्स है, क्वेश्चन नंबर सिक्स था एक्स लिमिटेड ने परचेस किया 70% ऑफ द शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड एट प्राइस ऑफ 1 लाख, शेयर कैपिटल ऑफ वाई लिमिटेड वाज ऑफ 70,000 एंड इट्स एक्युमुलेटेड प्रॉफिट अमाउंटेड टू 90,000, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, बताइए फास्ट।
ठीक है, जल्दी से बताइए, कम ऑन फास्ट, क्या आंसर होगा? कम ऑन मेरे प्यारे मित्रों, बताइए। सो ऑप्शन नंबर जो ए होगा दैट इज 25,000, 25,000 बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, जो ए ऑप्शन होगा दैट इज 25,000, वो बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। सो प्यारे दोस्तों जल्दी से बताइए, ए ऑप्शन दैट इज 25,000। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करें। हमारे पास देखो, नेक्स्ट हमारे पास देखो क्या, मैच द फॉलोइंग विद लिस्ट वन विद लिस्ट टू। अच्छा, इसकी कैलकुलेशन तो कर ली होगी आप लोगों ने, एक बार मुझे बताइए। चलिए बताइए जल्दी से, फास्ट, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड हमारे पास है। डेट इक्विटी रेशियो, अगर हम लोग बात करें डेट इक्विटी रेशियो, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स, जल्दी से मुझे बताइए फास्ट, कम ऑन प्यारे दोस्तों, क्या आंसर होगा? बी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल सही आंसर है, मतलब क्या, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड, हमारे पास बिल्कुल सही आंसर है। ओके, आगे बढ़े। एट्थ की अगर हम लोग बात करें, सो राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन अ फर्म विद कैपिटल ऑफ 4,80,000 एंड 3,10,000 रेस्पेक्टिवली, दैट एडमिटेड गणेश एज अ पार्टनर विद 1/4 शेयर, गणेश ब्रिंग 3 लाख एज अ कैपिटल, गणेश शेयर ऑफ गुडविल विल बी, मुझे बताइए कितना होगा? बताइए फास्ट, कितना आंसर आएगा? ये 1 एंड 0, दैट इज आंसर। हमारे पास बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, दैट इज 27,500, हमारे पास जो 27,500 है बिल्कुल राइट आंसर आएगा। बोलो मेरे साथ, है ना, 27,500 जो है हमारे पास राइट आंसर आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए नाइन्थ क्वेश्चन डिस्कस करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसमें से कौन सा हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मुझे बताइए फास्ट। ऑप्शन नंबर जो बी है, एक्सपेंस ऑन अ मेगा एडवर्टीजमेंट कैंपेन वाइल लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, बोलो हाँ है ना।
क्या आंसर होगा मुझे जल्दी से बताइए कि हमारे पास बी ऑप्शन सही होगा, दैट इज एक्सपेंसेस ऑन अ मेगा एडवर्टीजमेंट कैंपेन बाय लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट। सो बी ऑप्शन जो बिल्कुल सही आंसर है, पक्का। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें 10th नंबर का क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वेरीज एवरी ईयर अंडर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, एन्युटी मेथड, या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, या इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। चलिए हमारे पास बस 4 seconds और बचे हुए हैं, यू कैन जस्ट सी वही है द आंसर इज सी ऑप्शन, दैट इज कॉल्ड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th। चलिए, सो ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस ऑफ द कंज्यूमर्स बिहेवियर इज कंसिडर सुपीरियर टू द कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस मेनली ड्यू टू, हम लोग अगर बात करें अजम्पशन ऑफ द रेशनैलिटी ऑफ द कंज्यूमर्स बिहेवियर, और अगर हम लोग बात करें पॉसिबिलिटी ऑफ द डेरिवेशंस ऑफ द कंज्यूमर्स डिमांड, या बाइफर्केशन ऑफ प्राइस इफेक्ट इनटू इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, या कंसिडरेशन ऑफ द अवेलेबल लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग कंज्यूमर डिमांड। मुझे बताइए जल्दी से फास्ट। सी ऑप्शन जो है हमारे पास बाइफर्केशन ऑफ प्राइस इफेक्ट इनटू इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, बात आ रही है समझ में, तीसरा ऑप्शन जो है वो सही आंसर होगा। 12th हमारे पास फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ असर्शन एंड रीजन, असर्शन भी दिया हुआ है और रीजन भी दिया हुआ है, आप सभी लोग असर्शन भी देख सकते हैं रीजन भी देख सकते हैं, मुझे बताना है कि कौन सा असर्शन और कौन सा रीजन बिल्कुल सही है, बताइए जल्दी से फास्ट बताइए, कम ऑन। डी ऑप्शन जो होगा हमारे पास बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज आर डज नॉट ऑफर द फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखो यहाँ पे पहले था करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मगर यहाँ पे है क्या कि एक्सप्लेनेशन तो है मगर पूरा एक्सप्लेनेशन जो है वो ए का नहीं है, बात आ रही है पूरा एक्सप्लेनेशन ए का नहीं है। 13th क्वेश्चन देखते हैं, सो द मिनिमम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो है हमारे पास, जो मिनिमम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है कैन बी डिटरमाइंड ऑन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट
कर्व फॉर अ नॉर्मल प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, कर्व फॉर द लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन, या प्लानिंग कर्व या एनवेलप कर्व? मुझे बताइए कौन सा आंसर सही होगा फास्ट। चलिए, सो हमारे पास जो सी ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा, मतलब सी ऑप्शन मैं कह सकता हूँ क्या, सी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन कैसे राइट होगा प्यारे दोस्तों, हमारे पास फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व फॉर नॉर्मल प्रोडक्शन फंक्शन, और फिर हमारे पास थर्ड है हमारे पास प्लानिंग कर्व, और फोर्थ हमारे पास क्या एनवेलप कर्व, जो है हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट डिस्कस करें, हमारे पास 14th क्वेश्चन है, Monopoly is not considered desirable from the point of view of the society mainly because of monopolistic endeavor too. बताइए कौन सा आंसर होगा फर्स्ट। चलिए, सो ऑप्शन नंबर जो डी होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा, मतलब प्रोड्यूस बिलो इकोनॉमिक कैपेसिटी लेवल व्हेन ही एक्सिबिट सेटिस्फेक्शन विद द नॉर्मल प्रॉफिट ओनली। बात आ रही सुन में, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करें, हमारे पास 15th है, प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग स्ट्रेटजी इंक्लूड्स विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग, पब्लिक यूटिलिटी प्राइसिंग, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स प्राइसिंग, या स्पेयर पार्ट्स प्राइसिंग, या लोड फैक्टर प्राइसिंग? मुझे बताइए कौन सा आंसर फास्ट होगा। चलिए, सो प्यारे दोस्तों जल्दी से मुझे बताइए, कम ऑन जल्दी से बताइए फास्ट कितना आंसर आएगा, व्हाट इज आंसर। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो मतलब हमारे पास जो होगा सेकंड, थर्ड और फोर्थ, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स प्राइसिंग, स्पेयर पार्ट्स प्राइसिंग और लोड फैक्टर प्राइसिंग, ठीक है। देखिए, व्हेन द डेटा आर क्लासिफाइड only on the basis of descriptive characteristics which cannot be qualified as known as geographical classification, chronological classification, या qualitative classification या quantitative classification। बताइए फास्ट।
चलिए बताइए जल्दी से, ऑप्शन नंबर जो सी होगा, इट इज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या आंसर होगा बोलो जल्दी से, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, मतलब गुणात्मक वर्गीकरण जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 प्यारे दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स डिस्क्रिप्शन, इसमें से ऐसा कौन सा है जो बेसिकली फॉल्स डिस्क्रिप्शन है, इन अ मॉडर्न इन अ मॉडरेटली अ सिस्टमेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन द एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मोड एंड मीडियन सजेस्टेड बाय कार्ल पियर्सन इज इक्वल टू मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 एंड टू मीन माइनस मीडियन, या और बताइए जो हमारे पास दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन है बताइए। बताइए जल्दी से फास्ट, कम ऑन। चलिए हमारे पास जो ऑप्शन नंबर जो बी होगा दैट इज कॉल्ड क्या, कॉफिशियंट ऑफ वेरिएशन इज एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, जो कॉफिशियंट ऑफ वेरिएशन है वो एक एब्सोल्यूट मेजर है, किसका बोलो डिस्पर्जन का, तो कॉफिशियंट ऑफ वेरिएशन इज एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। नेक्स्ट डिस्कस करें, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है, आप सभी लोग देख सकते हैं, मैच द फॉलोइंग विद लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, हमारे पास कॉफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन है कि गामा एक्स वाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कॉफिशिएंट जो हमारे पास दिया 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में एन एन स्क्वायर माइनस का 1, एन क्यूब माइनस का एन एन होता है, एन एन क्यूब माइनस का 1 होता है, ठीक है, तो ये गलत दिया हुआ है। रिग्रेशन ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई, वेरिएबल हमारे पास दिया समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन में एन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, फार्मूला सही है। कार्बोरेशन है हमारे पास म्यू और जो कि म्यू का स्क्वायर, तो हमारे पास बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए फास्ट। चलिए जल्दी से बताइए फास्ट, ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ए बी सी डी का मतलब ए का फर्स्ट होगा, बी का सेकंड होगा, सी का हमारे पास थर्ड होगा और डी का फोर्थ होगा, मतलब बिल्कुल सारे ही जो है ए बी सी डी का बिल्कुल पैरेलल सारे ही पेयर जो है बिल्कुल सही है। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो प्यारे दोस्तों, स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड दिया हुआ है, यू कैन जस्ट सी द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड और आप मुझे बता सकते हैं कि क्या आंसर होगा, व्हाट इज द आंसर ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड, बताइए जल्दी से फास्ट, कम ऑन। चलिए हमारे पास बस 10 सेकंड बचा हुआ है, यू कैन जस्ट सी हियर, चलिए सो हमारे पास जो बी ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा, दैट इज बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स, मतलब दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो क्या है बोलो फॉल्स है। नेक्स्ट हमारे पास 20th क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, कंप्यूटर दैट रिकॉग्नाइज डेटा एज डिस्क्रीट सिग्नल्स आर कॉल्ड एनालॉग कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स या हाइब्रिड कंप्यूटर्स या सुपर कंप्यूटर्स, मुझे बताइए फास्ट।
चलिए सब मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार जितने भी सभी लोग लाइव हो, एक बार जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। फास्ट बताओ। ऑप्शन में जो बी है बिल्कुल सही होगा आंसर, दैट इज डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा बी ऑप्शन जो है, बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो 21 है, हर्बर्ट सेमोंस कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैन अज्यूम्स दैट, मुझे बताइए क्या आंसर होगा, बताइए फर्स्ट। चलिए सब प्यारे दोस्तों, एक बार जितने भी सभी लोग लाइव, एक बार जल्दी से मुझे बताइए क्या आंसर होगा, फास्ट बताइए। हमारे पास ये 3-2 और ये हमारे पास 1 आंसर आ चुका है। चलिए बताइए जल्दी से। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा आंसर। ही इज कम्प्लीटली रेशनल इन डिसीजन मेकिंग, बातचीत में बिल्कुल ही क्या होगा बोलो, कम्प्लीटली क्या होगा बोलो, वो रेशनल होगा। किसमें बोलो, डिसीजन मेकिंग में। आइए डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास है 22nd क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट द स्केलर चेन प्रिंसिपल एज गिवन बाय द फेओ, मिस ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट स्टेटमेंट है स्केलर चेन के लिए, बताइए फर्स्ट। चलिए सो जल्दी से बताइए फास्ट। चलो कम ऑन, ऑप्शन नंबर जो ए है, ए बिल्कुल राइट आंसर है। ए ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर, मतलब ए ही आंसर जो है करेक्ट है, बाकी इनकरेक्ट है। बात आ रही सुन में, बी बी जो ऑप्शन है करेक्ट इनकरेक्ट है, तो ये ऑप्शन जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है, अ मिशन स्टेटमेंट शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, एलोबरेट या डिस्टिंक्टिव या फिजिबल, मुझे बताइए फर्स्ट। चलिए सो ऑप्शन नंबर जो डी होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ए सी डी, मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डिस्टिंक्टिव, और हमारे पास डी होगा क्या बोलो, फीजिबल। राइट, ये हमारे पास जो ए सी और डी जो है हमारे पास, ये तीनों ही बिल्कुल राइट आंसर है। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी तो नहीं है ना, बताइए फास्ट।
चलिए बताइए प्यारे दोस्तों क्या आंसर होगा। कम ऑन सभी लोग बताएंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से बताएंगे। व्हाट व्हाट इज द आंसर बताइए साहब। ऑप्शन नंबर डी जो होगा फिजिबल होगा आंसर, जो होगा राइट आंसर होगा। लिस्ट वन और लिस्ट टू दिया हुआ है हमारे पास, एक बार जल्दी से लिस्ट वन को लिस्ट टू से एक बार जल्दी से मैच करके दिखाइए। फास्ट कम ऑन प्यारे दोस्तों, एक बार जल्दी से लिस्ट वन को लिस्ट टू से एक बार जल्दी से मैच करिए। कम ऑन ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल राइट आंसर का। ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ, बताइए सन में ये हमारे पास राइट आंसर है। बताइए फास्ट चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास ये असर्शन और रीजन दिया हुआ है, एक बार जल्दी से मुझे बताइए फास्ट असर्शन और रीजन में क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए फास्ट। कम ऑन चलिए जल्दी से बताइए फास्ट क्या आंसर होगा। कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो सी आंसर सही होगा, बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए राइट। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन हमारे पास है। Which type of differentiation is used to gain competitive advantage through the way of firm design, its distribution, coverage, expertise and performance? Channel differentiation, service differentiation, people differentiation, product differentiation. Batai kya answer hoga, batao jaldi se fast. Jaldi se batai fast kya answer kya hoga, batai fast. बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी बताइए फास्ट। सो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारे पास वो चैनल डिस्ट्रीब्यूशन का आंसर रहेगा, चैनल डिफरेंशिएशन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट डिस्कस करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली रिजल्ट ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी दैट अटेम्प्ट्स टू सर्व ऑल पोटेंशियल कस्टमर, बताइए फास्ट क्या आंसर होगा।
चलिए जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा फास्ट। ऑप्शन नंबर जो डी बिल्कुल सही आंसर होगा, नॉट ऑल कस्टमर्स विल सेटिस्फाई। हमारे पास अगर बात करें यहाँ पे लिखा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली रिजल्ट ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी दैट अटेम्प्ट टू सर्व ऑल पोटेंशियल कस्टमर दैट नॉट ऑल कस्टमर विल बी सेटिस्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें 28th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी एक्टिविटी राइट इन माइकल पोर्टर्स वैल्यू चेन, इनबाउंड लॉजिस्टिक ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स या प्रोक्योरमेंट। बताइए फास्ट कौन सा आंसर होगा, फास्ट बताओ। चलिए सो होपफुली आप लोगों को आ गया होगा आंसर। ये बस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ माइकल पोर्टर वैल्यू चेन, इनबाउंड लॉजिस्टिक ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक या प्रोक्योरमेंट। ऑप्शन नंबर जो डी होगा दैट इज प्रोक्योरमेंट इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट वेन द टेस्ट इंस्ट्रूमेंट इज यूज रिपीटेडली, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, रिलेटिवली या सेंसिटिविटी। बताइए फास्ट क्या आंसर होगा। चलिए बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा, फास्ट बताइए, कम ऑन। चलिए ऑप्शन नंबर जो बी होगा दैट इज रिलायबिलिटी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट डिस्कस करें। नेक्स्ट प्यारे दोस्तों हमारे पास 30th क्वेश्चन है, असर्शन दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ है। हमारे पास असर्शन दिया हुआ, टू मेनी स्टिमुली मेक अ पर्सन एज अकोमोडेटेड अकोमोडेटेड टू डो दो सेंसेशन सेंसरी अडॉप्टेशन इज अ प्रॉब्लम दैट कंसर्न मेनी एडवर्टाइजर्स विच इज वाई दे ट्राई टू चेंज द एडवर्टाइजिंग कैंपेन रेगुलरली। Reason to cut through advertising clutter and to ensure that the consumer perceive advertisement, marketers try to increase sensory input. बताइए क्या आंसर होगा, फास्ट बताइए, कम ऑन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा, बोथ एंड आर आर करेक्ट, या बोथ एंड आर राइट बट आर इज एक्स राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पे बैक पीरियड मेथड, मुझे बताइए फास्ट।
चलिए, सो पहले दोस्तों हमारे पास जो ऑप्शन नंबर जो डी होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या आंसर होगा बोले जल्दी से? ऑप्शन नंबर जो डी होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ें, कम ऑन बताइए फास्ट। चलिए, सो हमारे पास इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, बात आ रही है समझ में? 31 का डी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। 34th देखें, 34 32। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टिव कस्टमर्स? लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक रेफरेंस, ट्रेड इंक्वायरी या क्रेडिट क्रेडिट ब्यूरो? निम्नलिखित में से कौन संभावित संभावित ग्राहकों की क्रेडिट जानकारी का स्रोत नहीं है? साख पत्र, बैंक संदर्भ या व्यापार पूछताछ या क्रेडिट ब्यूरो? बताइए फास्ट क्या आंसर होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा, दैट इज कॉल्ड के लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, और ये ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा बोलो जल्दी से? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट डिस्कस करें, हमारे पास नेक्स्ट है द पोर्शन ऑफ अर्निंग व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड इज कॉल्ड प्रॉपर्टी रेशियो, अर्निंग यील्ड रेशियो, पे आउट रेशियो या रिटेंशन रेशियो। द पोर्शन ऑफ अर्निंग, जो एक वो अर्निंग का पोर्शन जो एक डिस्ट्रीब्यूट होता है शेयर होल्डर के बीच में इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड इज कॉल्ड प्रॉपर्टी रेशियो, अर्निंग यील्ड रेशियो या पे आउट रेशियो या रिटेंशन रेशियो। बताइए फर्स्ट क्या आंसर होगा। चलिए बताइए फास्ट, कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार सभी लोग बताएंगे कि क्या होगा आंसर। सो ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा, दैट इज पे आउट रेशियो। पे आउट रेशियो कैसा रेशियो होता है जो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट होता है किसमें बोलो? अमंग द शेयर होल्डर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। ठीक है, ये कैसा रेशियो होता है जो शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट होता है अमंग द बेसिस ऑफ डिविडेंड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सेलेक्ट द करेक्ट कोड रिगार्डिंग मोटिव्स ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्रीज बाय फॉर्म, ट्रांजेक्शन मोटिव, एनवायरमेंटल मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव या स्पेकुलेटिव मोटिव या कॉम्पिटेटिव मोटिव। चलिए, ऑप्शन ऑप्शन आ गया हमारे पास जो डी ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या आंसर होगा बोले जल्दी से? जो डी ऑप्शन होगा प्यारे दोस्तों बिल्कुल हमारा राइट आंसर होगा। बढ़े आगे, डी ऑप्शन जो होगा हमारे पास वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो डी ऑप्शन मतलब क्या हमारे पास? ECD, ट्रांजेक्शन मोटिव, स्पेकुलेटिव मोटिव और ट्रांजेक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव और स्पेकुलेटिव मोटिव, ECD हो गया। 35th हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज रिलेटेड टू द ऑपरेटिंग लीवरेज? कंट्रीब्यूशन अपॉन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, परसेंटेज चेंज इन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, परसेंटेज चेंज इन सेल्स, या ऑल ऑफ द अबव? मुझे बताइए फास्ट।
चलिए जल्दी से बताइए, फर्स्ट ऑप्शन में जो डी होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा, मतलब डी हमारे पास ऑल ऑफ द अबव जो होगा हमारे पास बिल्कुल राइट आंसर होगा। कम ऑन जल्दी से मुझे बताइए क्या आंसर होगा। चलिए सो प्यारे दोस्तों जल्दी से मुझे बताइए, कम ऑन एक जितने भी सभी लोग लाइव पर जल्दी बताइए, डी दैट इज ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट डिस्कस करें, हमारे पास अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू इन केस ऑफ एचआरएम, एचआरएम के केस में इसमें से कौन सा जो है बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, मुझे बताइए। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द एचआरएम, एचआरएम के केस में कौन सा ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। एम्प्लॉयज आर सेवन सीन एज एन इन्वेस्टमेंट टू बी, जो नेचुरल की बात नेचुरल एज वेल एज द कॉस्ट टू बी कंट्रोल्ड, ओके, या कॉन्फ्लिक्ट्स आर डील्ड विद बाय टीम मेंबर्स विद इन देयर टीम्स, या अगर हम लोग बात करें प्रेफरेंसेस फॉर कलेक्टिव बार्गेनिंग ऑफ पे एंड वर्किंग कंडीशंस, एम्फेसिस इज ऑन कॉम्पिटिटिव पे एंड कंडीशंस टू स्टे अहेड ऑफ कॉम्पिटिटर्स, मुझे बताइए क्या आंसर होगा, बताओ फास्ट। चलिए सो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, दैट इज प्रेफरेंसेस फॉर कलेक्टिव बार्गेनिंग फॉर पे एंड वर्किंग कंडीशन, बात आ रही समझ में। सो सी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा, बात आ रही समझ में। आगे बढ़े, क्वेश्चन 37 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एज एन एडवांटेज ऑफ मैगजीन्स एज अ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, लेस एक्सपेंसिव, लॉन्ग लीड टाइम फॉर एडवर्टीजमेंट प्लेसमेंट, रीच आर डाइवर्स ऑडियंस, या मैनी अनमोटिवेटेड एप्लीकेंट्स, बताइए फास्ट। चले सो ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा, कोई दिक्कत तो नहीं ना, जो ऑप्शन नंबर जो सी होगा प्यारे दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर इसका होगा, कोई दिक्कत तो कोई परेशानी है तो मुझे बताइए, दैट इज मेनी अनमोटिवेटेड एप्लीकेंट्स होगा हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट डिस्कस करें, हमारे पास एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द करेक्ट, हमारे पास असर्शन और रीजन को एग्जामिन करिए और इसमें से बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट चूज करें, क्या आंसर होगा बताइए फास्ट। चलिए सो हमारे पास जो है अगर हम लोग बात करें, हमारे पास जो है वो 3 हो गया, 2 हो गया और ये 1, और फिर हमारे पास जो है 0 आंसर आ गया, दैट इज आंसर ए,
बोथ ई और आर जो है दोनों ही हमारे पास करेक्ट आंसर है, और आर जो है एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, बोले जल्दी से, वो ए का। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट आंसर, बट एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कोई दिक्कत और कोई परेशानी तो मुझे बताइए जल्दी से फास्ट। चल सो डिस्कस करें, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट वन दिया हुआ, लिस्ट टू दिया हुआ, एक बार जल्दी से लिस्ट वन को लिस्ट टू से एक बार जल्दी से मैच करके दिखाई फास्ट, कम ऑन फास्ट दिखाई एक बार जल्दी से। चलिए जल्दी से बताइए, कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आंसर होगा, कम ऑन जल्दी से बताइए फास्ट। ऑप्शन नंबर जो डी होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्या आंसर होगा बोले जल्दी से, जो डी आंसर होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा, कम ऑन जल्दी से मुझे बताइए क्या आंसर होगा बोले जल्दी से, डी आंसर जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्लियर है, बोले जल्दी से फास्ट, कम ऑन जल्दी से बताइए, जो डी आंसर होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। हम लोग बोल सकते हैं क्या, ए का थर्ड, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट और डी का फोर्थ, क्लियर है। आगे डिस्कस करें, 40th क्वेश्चन हमारे पास है, 40th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्लांट काउंसिल, कौन सा इसमें से ऐसा है जो कि हमारे पास प्लांट काउंसिल का फंक्शन नहीं है, मुझे बताइए जल्दी से फास्ट, कम ऑन बताइए जल्दी से, कौन सा इसमें प्लांट काउंसिल का फंक्शन नहीं है। चलिए भाई जल्दी से बताइए, ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए मतलब हमारे पास रिकमेंडेड इम्प्रूव सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर मेजर्स, तो हमारे पास ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट डिस्कस करें, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 है, 41 में हमारे पास असर्शन रीजन दिया हुआ है, आप सभी लोग असर्शन रीजन दे सकते हैं, मुझे बताइए जल्दी से फास्ट।
चल, हमारे पास क्वेश्चन के आंसर आ चुके हैं, बस ये हमारे पास स्क्रीन पे आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ये ऑप्शन जो है बिल्कुल ए एंड आर बोथ आर ट्रू बट आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और आर जो है दोनों ही सही है, मगर आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, बोलो ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास प्यारे दोस्तों वो ये आता है कि बैंकिंग ऑन टेलीफोन सर्विस इंक्लूड्स ऑटोमेटिक बैलेंस, वॉइस आउट इंक्वायरी, ऑल टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स, या डायरेक्ट कैश विड्रॉल, या यूटिलिटी बिल पेमेंट, या वॉइस आउट लास्ट 5 ट्रांजेक्शन। बताइए फास्ट। चलिए जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। कम ऑन प्यारे दोस्तों, हमारे पास ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। दैट इज बी ऑप्शन राइट सही आंसर होगा। मतलब हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ, ऑटोमेटिक बैलेंस, वॉइस आउट और इंक्वायरी, ऑल टर्म डिपॉजिट अकाउंट, और हमारे पास फोर्थ यूटिलिटी बिल पेमेंट, और फिफ्थ होगा क्या, वॉइस आउट लास्ट 5 ट्रांजेक्शन। मुझे बताइए कौन सा आंसर होगा फर्स्ट। ओके, सो 43 क्वेश्चन हमारे पास है। देखो क्या 43 क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है। 43 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स करंटली रैंक्स नंबर 1 इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, यूटीआई बैंक, क्या आईडीबीआई बैंक। सो ऑप्शन नंबर ए है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 44th क्वेश्चन आपके सामने है, देखो ध्यान से। डिस्कस करें नेक्स्ट। हमारे पास 44 का, हमारे पास जो है 44 का बी ऑप्शन होगा। सो हमारे पास बी मतलब क्या, फर्स्ट का थर्ड, बी का फर्स्ट और सी का सेकंड और डी का फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 44th क्वेश्चन है, 45th है। लिस्ट वन को लिस्ट टू से एक बार मैच करना है। बात आ रही है समझ में। लिस्ट वन और लिस्ट टू को मैच करना है। पिलर वन, पिलर टू, पिलर थ्री दिया हुआ है हमारे पास। एक बार बताइए जल्दी से लस्ट वन को लस्ट टू से, एक बार जल्दी से मैच करके दिखाइए। कम ऑन फास्ट। हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, हमारे पास ऑप्शन नंबर जो डी होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। मतलब 45th का हमारे पास पता लग गया कि ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड। ठीक है, सो प्यारे दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। बाकी अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में हम लोग कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट को करेंगे। तब तक ले इतना ही। सो मेरे प्यारे दोस्तों तब तक ले इतना ही। सो आप सभी को जैसा कि बताया कि प्लस आइकॉनिक 2 वेरियंट में हमारे पास सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। अगर हम लोग बात करें कि अगर हम सभी लोग बात करें आगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप सभी लोग पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लान, स्टडी प्लान मटेरियल के साथ, एक्सपर्ट की गाइडलाइंस के साथ टेस्ट का प्रॉपर तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आप सभी लोग प्लस आइकॉनिक 2 वेरियंट में सब्सक्रिप्शन लेते हैं, अगर प्लस में लेते हैं तो आपको जो 20,000 का कोर्स 2,000 के डिस्काउंट के साथ 18,000 का पड़ेगा। बट जो आइकॉनिक में लेते हैं तो 50,000 का कोर्स आपको 5,000 के डिस्काउंट के साथ 45,000 का पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी लोग लगातार बने रहने के लिए। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय फॉर टुडे। थैंक्स अ लॉट, बाय सेवन, टेक केयर, और मिलते हैं अगली क्लास में एक और बेहतरीन से कंटेंट के साथ। बाय सेवन, टेक केयर।